दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी द्वारा किन्नौर के विधायक पर 2 वर्षों में 12 लाख यात्रा भत्ता लेने के आरोप को यूथ कांग्रेस किन्नौर ने सिरे से खारिज किया है। रिकांगपियो में पत्रकार वार्ता करते हुए जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप नेगी ने कहा कि वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी विधायक किन्नौर पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। विधायक किन्नौर ने जो यात्रा भत्ता लिया है सरकारी नियम के तहत लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के तहत विधायक व सरकारी कर्मचारी को TADA मिलता है। विधायक विधानसभा में किसी न किसी कमेटी में नामजद होते हैं, इसलिए विधायक को अपने निवास स्थान से शिमला तक TADA मिलता है। इसी के तहत ही विधायक को भत्ता मिला है। वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी के आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार में उन्हें पिछले कुछ दिनों से यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे जगत सिंह नेगी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं TADA को लेकर, वो हम सूरत नेगी जी को ये बताना चाहते हैं कि आप किन्नौर की बोली वाली जनता को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को बदलाना व गुमराह करना छोड़ दें। आपका हमेशा एक टारगेट रहता है किन्नौर के विधायक के ऊपर, आप हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हम युवा कांग्रेस की तरफ से आपको कहना चाहते हैं कि आप विधायक के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दें। आप जो है किन्नौर के विकास के लिए व यहाँ की स्थानीय जनता की जो समस्याएं उस पर ध्यान दें। आपको बताना चाहूँगा सरकारी नियमों के तहत ही किसी विधायक को, किसी कर्मचारी को TADA मिलता है। यहाँ के स्थानीय विधायक विधानसभा की किसी न किसी कमेटी में, 3 कमेटियों में नामजद है, वह विधानसभा का जो सेशन होता है उसमें जाते हैं। अपने निवास से शिमला जाने आने का वहाँ फैलने का जो डेली अलाउंस मिलता है वो सरकारी नियमों के तहत मिलता है। अगर आपको उसमें कहीं उतना ही शक और उतना ही डाउट है तो आप, भाजपा की सरकार आपकी है, आप जो है उसमें इंक्वायरी करें कहाँ पे पैसों का घपला हुआ है। अगर 2 साल के अंदर माननीय विधायक ने 12 लाख का TADA दिया है तो बिल्कुल नियमों के तहत है। अगर कोई विधायक, अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो होता है वो अगर किसी बैठकों में ना जाए तो उसको किस रूप में TADA मिलेगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे, जब आप बैठकों में हिस्सा लेंगे, उसी के तहत सरकार के जो नियम और कायदे हैं उसके तहत ही TADA मिलता है। आप चुने हुए प्रतिनिधि किन्नौर से चौथी बार मर्तबा जो विधायक हैं उनके ऊपर आप हमेशा आरोप लगाते हैं। आप खुद एक नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन हैं, आप खुद सरकारी गाड़ी का उपयोग करते हैं और साथ साथ आप खुद TADA देते हैं। क्या विधायक सरकारी नियमों के तहत काम नहीं कर रहा है या सरकारी नियमों से बाहर जाकर TADA का बिल लिया जा रहा है? आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप सरकार में होते हुए आप विधायक के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दें। आपके ऊपर पहले ही एक मानहानि का दावा स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। ऐसा ना हो आप इसी आरोपों को लेकर दोबारा से आपके ऊपर एक और मानहानि का दावा किन्नौर कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। आप लोगों के बीच जो है स्थानीय विधायक की छवि को बिगाड़ने का भरसक जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम युवा कांग्रेस की तरफ से आपको चेताना चाहते हैं। और आपका जो जवाब है वो आपने कहा था पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनका जवाब कांग्रेस पार्टी को ही पत्थर से देना आता है। आपसे हम यही अनुरोध वो करेंगे कि आप स्थानीय विधायक को जो आपके जो आरोप है उसके ऊपर आप माफ़ी मांगे और जो आपने सरासर जो एक आरोप स्थानीय विधायक के ऊपर लगाया है उसके ऊपर आप स्थानीय किन्नौर की जनता को जो भड़काने का और गुमराह करने का जो कोशिश कर रहे हैं उस पर आप माफ़ी मांगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।